जादुई बूटी और मूर्ख पंडित। एक गांव में एक बहुत ही महान पंडित था जो बहुत ही ज्ञानी था। वह एक पेड़ के नीचे माँ दुर्गा की आराधना कर रहा था। पंडित की आराधना देख माँ दुर्गा पंडित के सामने प्रकट हुई। आंखें खोलिए पंडित जी, मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मांगते हो पंडित? मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। बोलिए पंडित जी, आपको क्या चाहिए? हे माता, मुझे आप संजीवनी बूटी का वरदान दे दीजिए। तथास्तु। लीजिए पंडित जी, यह संजीवनी बूटी है। इस बूटी का ये असर होगा कि कोई भी व्यक्ति या जीव जो मृत होगा उस पर इसका रस डालने पर वह जीवित हो उठेगा। इस बूटी के रस से वह जीव और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। मगर याद रखना, यह बूटी कभी सूखेगी नहीं, इसका रस कभी समाप्त नहीं होगा। तुम जितने लोगों की चाहो मदद कर सकते हो। और वरदान देकर माँ दुर्गा वहां से चली गई। बूटी पाकर पंडित जी बहुत खुश हो गए और बूटी लेकर वे अपने घर की तरफ चल पड़े। इस बूटी की शक्ति से मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। पूरे गांव में कोई भी घर मृत्यु से परेशान नहीं होगा। हर तरफ मेरा ही बोलबाला होगा और दूर दूर तक मेरी प्रसिद्धि फैल जाएगी। हो सकता है कल को मैं गांव का मुखिया भी बन जाऊं। तभी पंडित जी ने सोचा, कहीं देवी माँ ने मुझसे कोई मजाक तो नहीं किया? कहीं ये संजीवनी बूटी नहीं हुई तो मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा करता हूँ, मैं किसी मृत जीव पर या किसी मृत इंसान पर इसका प्रयोग करके देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि वो जिंदा होता है या नहीं। तभी पंडित जी की नजर वहाँ जंगल में पड़े एक शेर पर गई। क्यों ना मैं इस संजीवनी बूटी को इस शेर पर प्रयोग करूं, देखता हूं कि ये जीवित होता है या नहीं। बिना सोचे समझे पंडित जी ने संजीवनी के पत्तों को रगड़ना शुरू किया। जैसे ही संजीवनी की कुछ बूंदें शेर पर पड़ी, शेर जाग गया। उसे जीवन दान मिल गया था, मगर अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। अरे वाह, ये संजीवनी तो बिल्कुल असली है। अब मैं इसका प्रयोग किसी पर भी कर सकता हूँ। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। ओहो, ये मैंने क्या किया? मैंने तो एक शेर को जिंदा कर दिया और ये तो बहुत भूखा भी लग रहा है। अब तो यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। भागो! अरे बचाओ! अरे कोई बचाओ! अरे अरे बचाओ! अरे बचाओ! पंडित जोर जोर से भागने लगा और शेर उसका पीछा करने लगा, मगर शेर से बचना नामुमकिन था। इसीलिए शेर ने पंडित को अपना शिकार बना लिया और अपना पेट भर लिया। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!